ओम शांति। हाँ भाई जी, आवाज क्लियर आ रही है? शिवचिंग भाई जी हमारी। जी आवाज क्लियर है जी। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। अवेक्त मुरली क्लब के सुबह के सेशन में आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6 दिसंबर 1975 की मुरली रीडिंग करने जा रहे हैं, और बाबा ने ये मुरली जो है विदेशियों के लिए चलाई है स्पेशली। तो हम सभी आत्माएं जो हैं अपने देश से रावण की इस दुनिया में विदेशी बनकर बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो तो परम धाम है। और बाबा, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूप से हमारी पालना कर रहे हैं। तो ऐसा सुंदर टीचर पूरे कल्प में सभी आत्माओं को नहीं मिल पाता है। तो हम सभी आत्माएं आज सबसे पहले बाबा को हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, क्योंकि आज लौकिक में टीचर्स डे है, 5 सितंबर। जी बहन, थोड़ा आवाज ना इको हो रहा है, थोड़ा सांस लगता है, थोड़ा दूर रखेंगे तो अपना मोबाइल को ठीक है। जी ओके भाई जी, ठीक है, आप भी ठीक है क्या? हाँ अभी बेटर है। ठीक है भाई जी। तो मुरली का टॉपिक है अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बन स्वाहा हो। विश्व के शोकेश में अमूल्य रतन के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित कराने वाले, सर्व गुणों के मास्टर सागर स्वरूप बनाने वाले, रूहानियत की लाली से तस्वीर को चित्त आकर्षक बनाने वाले रूहानी पिता शिव बोले, अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो? ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं। तो आज मुरली में हम नोटिस करेंगे कि बाबा हमारे भाग्य को कितना मतलब बता रहे हैं, हम लोगों को स्थिति ऊंची उठाने के लिए, और स्वमान से किस तरह से भरपूर करते हैं कि बच्चे आप क्या थे। इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है? सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं। दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो? जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे आप पारस मनियों के संग से अन्य आयरन एज्ड आत्माएं गोल्डन बन जाएं। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो? कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आए और वह माला माल होकर जाए, ऐसे अपने तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो? किस समय देखते हो? क्या अमृत वेले? देखने का टाइम निश्चित है अथवा चलते फिरते जब आता है तब देखते रहते हो? सारे दिन में कितनी बार देखते हो? कितने सारे क्वेश्चन बाबा कर रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन सामान से भरा हुआ है। बार बार देखते हो या एक ही बार? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं। तो क्या देखते हैं वो? तो लौकिक में वह देखते हैं अपने फीचर्स,
और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फीचर्स तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। अंडरलाइन, आपका फ्यूचर तरफ अटेंशन नहीं, लेकिन हर समय फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन है। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। जैसे वे लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शक्ल में अपनी लाली को देखते हैं कि कहाँ तक लाल हुए हैं, और आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत रूपी लाली को देखते हो। आज तो विशेष दूरदेशी व डबल विदेशी अतार त्रिकालदर्शी बच्चों से विशेष मिलने आए हैं। तो हम सब भी विदेशी बन के बैठ जाएं बाबा के आगे, यह भी विशेष लक हुआ ना। ऐसा लक्की अपने को समझते हो? पद्म पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो, या सौभाग्यशाली? या पद्म पद्म शब्द भी कुछ नहीं? तीन चीजें बता रहे हैं, पद्म पद्म भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, या फिर पद्म पद्म भी कुछ नहीं। अपने को क्या समझते हो? कहो, पद्म तो हमारे कदमों में समाए हुए हैं। कितनी ऊंची बात है, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे कहो कि पद्म तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं, जिनके कदमों में अनेक पद्म भरे हुए हों, वह स्वयं क्या हुए? जैसे कोई भी विशेषता सुनाते हैं वा अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं तो कहते हैं ना, वह तो हमारे पांव के नीचे है। यह हमारे आगे क्या है? ऐसे ही पद्म तो आपके पांव के नीचे हैं। ऐसे श्रेष्ठ लक्की हो, सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरन करो। अंडरलाइन, सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरन करो तो क्या बन जाएंगे? भाग्य का सुमिरन करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिरताज बन जाएंगे। बाप के भी सिरताज बन जाएंगे। अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति का यादगार चित्र देखा है? आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी का यादगार चित्र कौन सा है, जिससे सर्व से ऊंचे प्रसिद्ध होते हो? तो वो बाबा बता रहे हैं कि भक्ति में कौन सा चित्र ब्राह्मणों के लिए दिखाया है। विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है। अब चोटी से ऊंचा कुछ होता है क्या? शक्ति सेना भी ऐसे अपने को लक्की समझती है। यह मीरा बहन के लिए बोला बाबा ने, यह मीरा लंदन की सबसे अधिक अपने को लक्की समझती है, क्योंकि इसकी अपनी हम जिन्स में तो यह एक ही विशेष रत्न है ना। अभी बाप भी आज विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा भी बच्चों का भाग्य देख खुश होते हैं। कैसे कोने कोने से, विदेश के कोनों कोनों से भी निकल करके अपने घर पहुंच गए हैं। बाप भी घर में आए हुए बच्चों को जो आधा कल्प की आशा लगाते हुए अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देखकर
सर्व आशाएं पूरी होती हुई देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। विदेशी ग्रुप की विशेषता क्या है? विदेशियों को देखकर बाप भी विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं। तो बाबा आज विशेषता बता रहे हैं बच्चों की, जो विदेशी बच्चे हैं, क्योंकि भले मेजोरिटी भारतवासी की है लेकिन अब विदेशी कहलावे व कहे जाते हैं। तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जल कर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं। सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों में यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है। भारतवासी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वाहा होंगे। विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। समझा? जैसे कोई दूर बैठे बहुत तड़पन में हो और ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए, तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती हैं। तड़पन होती है ना, इतना दूर से मिलने आते हैं बाबा से। समझा अपनी विशेषता को? पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उन्हों का पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं, इसलिए फास्ट जाते हैं। आप लोग कब, क्यों और क्या का क्वेश्चन करते हो? बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे आप कब, क्यों, क्या का क्वेश्चन करते हो, तो अपनी स्थिति भी ऐसी बनाए कि हाँ स्वाहा, पतंगा बन स्वाहा होने का मतलब है कि बाप की याद में खो जाना, कोई क्वेश्चन नहीं। माया के वार से हार खाने वाले हो या सदैव विजयी हो, माया को हार खिलाने वाले हो ना कि खाने वाले। तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट के गिफ्ट के कारण फर्स्ट जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा कायम रखना। क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। ये डायरेक्शन सभी बच्चों के लिए है कि क्यों और क्या के क्वेश्चन की बजाय हम बच्चे भी किसी कार्य को करते हैं तो मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो जाए और उस कार्य के संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप बने। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो, सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाएं, वो लीन हो जाएं, लेकिन यह कब अनुभव करते हैं, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते हैं। चाहते हैं लीन हो जाएं, समा जाएं, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं करते हैं।
इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना व लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। जब लव में लवलीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। जैसे बाप निराकार है, उस निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्हों को समा जाना कह दिया है। बाबा कह रहे हैं इसी को उन्होंने समा जाना बोल दिया है। बाबा से लवलीन हो जाना, उसकी याद में समा जाना, या पतंगा बन स्वाहा हो जाना, तो ऐसा अनुभव करते हो? आत्मा बाप के लव में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे, ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय उसका अनुभव क्या होगा सिवाय सागर के, और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना। अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना, बाप में नहीं समाना है लेकिन बाप की याद में समा जाना है। स्वाहा हो जाना माने बाप की याद में समा जाना। क्या ऐसा अनुभव होता है ना? विदेश पार्टी को देख, बाप दादा उन्हों के भविष्य को देख रहे हैं। विदेश पार्टी का भविष्य क्या है? सतयुग का नहीं, सतयुग का भविष्य तो राजा रानी है, लेकिन संगम का भविष्य क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष करने का है ना, लेकिन वह कब करेंगे? डेट क्या है उसकी? जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक पावरफुल प्लान नहीं बनेगा। विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जागने हैं। अगर आप लोग भी सोचेंगे कि कर लेंगे तो वह भी कहेंगे हाँ जाग जाएंगे। इसलिए जगाने वालों को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े। इस वर्ष यह करना ही है, तब वह भी सोचेंगे कि इस वर्ष के अंदर जगना ही है। अभी जगाने वालों का भी समय निश्चित नहीं है, इसलिए जागने वालों के पास भी समय निश्चित नहीं है। जैसे जगाने वाले सोचते हैं करना तो है, ऐसे वह भी सोचते हैं जागना तो है, अंत में जाग जाएंगे। इसलिए विदेशियों का भविष्य क्या रहा? भारत के नामी ग्रामियों को जगाना है, यह है विदेशियों का भविष्य। साधारण कुंभकर्ण नहीं लेकिन नामी ग्रामी कुंभकर्णों को जगाना है। जिस एक को जगाने से अनेक जग जाएं, उनको कहते हैं नामी ग्रामी। धरनी व स्टेज को तैयार, धरनी व स्टेज तो तैयार होती जा रही है, अब सिर्फ पाटधारियों को पाट बजाना है। लेकिन पाट भी हीरो पाट, साधारण पाठ नहीं होगा। हीरो पाठ बजाने से कुंभकर्ण भी जाग कर हियर हियर करेंगे। अच्छा, ऐसे तकदीर जगाने के निमित्त बने हुए जागती ज्योति सदा स्वयं के और समय के मूल्य को जानने वाले ऐसे अमूल्य रत्न विश्व के शोकेस में विशेष प्रसिद्ध होने वाले सर्वसिद्ध स्वरूप, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले बाप समान, सर्व गुणों को सेवा और स्वरूप में लाने वाले
ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इतनी सुंदर शिक्षाएं देने वाले मीठे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। समय की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सदा सफलता समाई हो। सफलता होगी अथवा नहीं, यह स्वप्न में भी संकल्प नहीं आएगा। हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी। करें या नहीं करें और होगा या नहीं, यह संकल्प नहीं उठेगा। जो होना ही है वह ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान अजान करती है। जैसे कोई भी बड़ा आदमी आता है तो उसके रास्ते में फूल बिछा देते हैं और उससे उन्हों का स्वागत करते हैं। तो जैसे विशेष आत्मा होते जाते हैं, वैसे सफलता फूलों के सदृश आजान करती है, आवाहन करती है कि सफलता मूर्त मुझे अपनावे। स्वयं को आवाहन नहीं करना पड़ता सफलता का, लेकिन सफलता मूर्त का सफलता स्वयं आवाहन करती है। यह फर्क पड़ जाता है। अच्छा, महावाक्य जो इस मुरली में विशेष बातें हैं, ये रीड करने भाई जी। जी इस मुरली की में विशेष बातें आज क्या रही हैं? सदा ऐसी खुशी में रहो कि अपनी खुशी को देखते हुए देखने वाले के गम के बादल, दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं और वे सुख के झूले में झूलने लग जाएं। अपनी लौकिक तस्वीर को देखते हुए रूहानी रूपी लाली सदा देखते रहो कि यहाँ कहाँ तक चेहरे में रूहानी लाली बड़ी है। विराट रूप में ब्राह्मणों की यादगार चोटी दिखाई गई है, जो कि आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी यादगार चित्र है। विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेष विशेषता है। सदा मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहने से सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। ओम शांति। शांति दिलीप भाई, हाँ साधना भाई, प्लीज।
ओम शांति दिलीप भाई बोलिए जी। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि लवलीन होना किसको कहा जाता है, और जो लौकिक में समझते हैं, जो सन्यासी समझते हैं कि तत्व में लीन हो जाए, उसका बाबा ने अंतर बताया। बाबा ने बताया कि जो तत्व योगी होते हैं सदा ये सोचते हैं कि हम ब्रह्म तत्व मिल जाएंगे। यही वो सभी को बताते भी हैं कि ब्रह्म तत्व में लीन होना है और उसके बाद में जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी तत्व में, तत्व तो रहने की जगह है, वहां लीन नहीं हो सकते हैं। तो और जन्म मरण के साइकिल में सभी को आना है, वहां आत्मा का निवास स्थान है। ये बाबा ने एकदम क्लियर कहा है। तो बाबा ने कहा वे लोग लीन अवस्था, उनको भी भक्तों को भी हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है उसका बाबा एकदम क्लियरिटी करते हैं कि जब ब्राह्मण बच्चे जब बाबा की याद में समा जाते हैं, पूरा लवलीन हो जाते हैं, तो उनको पूरा एक ही दृश्य दिखाई देता है, सागर। तो जैसे सागर देखते हैं तो लगता है कि हम उसी में लीन हो गए हैं। तो बाबा बोलते हैं उसी अवस्था को लवलीन अवस्था कहा जाता है, और उसी में समा जाना है, और वही अवस्था आप आपकी भी होनी चाहिए। ऐसा अनुभव करते रहेंगे तो कोई भी अनुभव करेंगे उससे ऊपर कोई स्थिति नहीं होती, उसी को लवलीन होना कहा जाता है। और बाबा ने विदेशियों को एक विशेष काम दिया है कि आपको ही भारत के कुंभकर्ण को जगाना है। और ये बात अपने अभी अभी लौकिक में भी देखते हैं, जब विदेश से कोई आती है चीज तो उसको लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो बाबा ने विदेशियों को कहा कि भारत के जो नामी ग्रामी कुंभकर्ण है उनको आप ही को जगाना है। ओम शांति। बहुत अच्छे। तो बाबा के स्नेह में समा जाना ही लवलीन होना है। बाबा ने ये भी क्लियर कहा है, बाप में नहीं समाना है लेकिन बाप की याद में समा जाना है, इसको ही लवलीन होना कहते हैं। और उन लोग तत्व योगी अपने आप को बाप के लव में, उनको तत्व योगी वो क्यों ये अच्छा लगता है, क्योंकि जो रहने का स्थान है, बाप के रहने का स्थान है, आत्माओं के रहने का स्थान है, वो भी शांति धाम है, उसमें भी इतनी शांति है, इसलिए वहां तक पहुंचना भी उन लोगों को समा जाने के बराबर ही उनको फायदा मिलता है। इसलिए क्योंकि तत्व भी, रहने का स्थान भी इतना, शांति धाम भी इतना पावरफुल है, इसलिए वो लोग ऐसा कह देते हैं। लेकिन बाप में के स्नेह में समा जाना तो उसे कई, मतलब कई गुना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर हाँ, यहाँ के कंपैरिजन में तत्व भी बहुत शांत देने वाला है, इसलिए वो लोग उसको समा जाना कहते हैं। और बाबा ने जो कुंभकर्णों को जगाने वाली बात कही है, उसमें साधारण कुंभकर्ण नहीं लेकिन नामी गरामी कुंभकर्णों को जगाने के लिए कहा है, इसलिए अभी फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम भी चलाया था उन्होंने। ओम शांति बोलिए स्वाति बहन। ओम शांति सभी को, गुड मॉर्निंग। बाबा ने बहुत सारे स्वमान भी आज दिए हैं, तो मैं सारी दुनिया के बीच में चमकने वाली विशेष लकी सितारा हूँ, जिसका स्वयं भगवान गायन करता है रोज। तो बाबा कहता है कि आपके चेहरे पर ऐसी खुशी हो जो देखने वाले के गम के बादल और दुख की घटाएं समाप्त हो जाए, दुख को भूल सुख के झूले में झूल जाए। दुनिया क्या कहती है कि पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन हम पारसनाथ के बच्चे पारस मनिया हैं, तो हमारे रंग में जो आएंगे आयरन एजेड आत्माएं, वो गोल्डन एजेड बन जाए। ऐसी अवस्था आप अनुभव करते हो, जो जो अनेकों के दुख हरने वाले हम, दुख हरता के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा आपके पास भिखारी बनकर आएगी कि सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, आपके पास जो आप माला माल कर सके, तो देखते हो दुनिया तो फीचर्स देखते हैं, लेकिन आपका अटेंशन आपका फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने में है, तो आप अपनी तकदीर के तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत आई है, और ये देखो कि रूहानियत की जो बाबा ने लाली लगाई है वो देखो कितनी रूहानियत है। तो ऐसे बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। ओम शांति।
बहुत अच्छा, ललिता बहन बोलिए। ओम शांति। जैसे लौकिक में कहते हैं कि ये जिधर कदम उठाता है उसको सफलता मिलती है, और आज बाबा ने हमको ऐसे ही चीजें बताई। मतलब हम कितने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं कि हम जहाँ हमारे हर कदमों में पदम बताया बाबा ने। तो सोचिए, ब्राह्मण बन गए और हमने कदम उठाया, हर एक कदम पे हमारे पदम। अर्थात क्या, हम कैसे बनाते हैं हमारे कदमों पे पदम? क्योंकि हमारे हर कदम वो होते हैं जो ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम होते हैं। यानी जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा करते हैं, वैसे हम कदमों पे कदम उठाते हैं, इसलिए हमारे कदम पे पदम होते हैं। अगर हमने गलत दिशा में उठा दिया बाबा बनने के बाद भी, तो इधर जो पद्मों की कमाई हो रही थी, तो हमारा लॉस भी पद्मों का होगा। और एक इस चीज पर भी एक मुरली के पॉइंट्स बोलना चाहेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, लव में लीन, तो ये बहुत सुंदर लगता है। एक बार बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो भक्त होते हैं, जब भजन गाते रहते हैं, बाबा अपने भगवान की देवी देवताओं की यादें, तो जब वो भजन गाते 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 वो एकदम से लीन हो जाते हैं, वो भी अशरीरी अवस्था उनकी हो जाती है। वो क्यों होती है बाबा ने कहा? वो तो भगवान को याद नहीं करते ना, परमात्मा को, वो तो देवी देवताओं को याद करते हैं। तो उस समय बाबा ने बताया था कि वो देवी देवता कौन हो, हम ही तो बनते हैं, क्योंकि हम इस संगम युग पर अपने परमात्मा की याद में ऐसे लीन होते हैं, उनके स्नेह में ऐसे लीन होते हैं कि हमारी अवस्था वो लवलीन की होती है। तो जब भक्त हमको याद करते हैं, तो हमारी उस स्थिति उन पर उतर जाती है, तो उनकी भी अवस्था ऐसी ही हो जाती है। ये हमें बहुत सुंदर लगा था। ओम शांति। ये तो हम सब लोगों का भी अनुभव है कि जब हम इस ज्ञान में आने के पहले बहुत सारे बच्चे तो भक्त नहीं, भक्त बन के नहीं आए, डायरेक्ट भी आ गए, लेकिन जिस जिन लोगों ने बहुत बाबा के लव में लीन होके भक्ति की है, उनको तो ये अनुभव है कि कितना उसमें भी नशा रहता है, और फिर ज्ञान मिल जाता है तब तो फिर नशा भी पूरा ही छट जाता है। तो भक्त का लव में लीन होने का अनुभव तो हमने भी किया है ज्ञान में आने के पहले। ओम शांति। अरुणा बहन जी बोलिए। शांति। जैसे आज बाबा धनी कहे कि सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो, तो बाबा ने खुशी कैसी आनी चाहिए? सदा ऐसी खुशी में रहो कि आपकी खुशी को देखते हुए देखने वाले की शम के बादल, मुझे उनको भी सुख मिल जाएगा। तो बाबा ने, ये 5 स्वरूपों का अभ्यास है। बाबा ने कहा है कि कितने बार करते हैं आप, कितने बार झूले में झूलते हैं, संगम युग में है, परम धाम में जाते हैं, तो ये कितने बार आप करते हैं? तो दिन भर ये करना है तो खुशी खुशी का पारा चढ़ जाएगा झूले में, और अपने अपनी जो खुशी है तो बाकी को भी ये पारस मनी मिल जाएगा। तो बाबा ने ये कहा है कि त्रिकालदर्शी बनना है, और त्रिकालदर्शी का स्वरूप ये संगम युग में जैसे है कि शिव और शक्ति कंबाइंड रहना चाहिए, विष्णु और लक्ष्मी कंबाइंड रहना चाहिए, खुशी निरंतर रहनी है दिन भर, तो खुशी बाकी को भी आत्मा में मिल जाएगी। ओम शांति। त्रिकालदर्शी रहना मतलब सब कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहकर अपनी खुशी को बढ़ाना है, तो हमेशा ही स्थिति में स्थित रहना है, बाप की याद में समाया हुआ रहना है। बहुत अच्छा। डॉक्टर रीमा बहन जी बोली। थी आज प्यारे बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ लकी सितारे हो, आप सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरन करो तो क्या बन जाएंगे? भाग्य का सुमिरन करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। कितनी पावरफुल लाइन है कि हम स्वयं का ही देखें कि हमें कौन मिला, हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, और आत्माएं जो भटक रही हैं, अगर हम इस चीज को भी रियलाइज करें तो बाबा कहते हैं कि भाग्य का सुमिरण करते करते, अपनी प्राप्तियों को याद करते करते, बाप से भी सर्वश्रेष्ठ बाप और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आप कितने विश्व के शोकेस में अमूल्य रत्न हो, आप लकी सितारे हो, आप पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है। जैसे अन्य जो भी आत्माएं हैं वो आके आपके साथ में रह के आपका संग का रंग लगेगा तो वो भी गोल्डन बन जाएंगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप माला माल हो, भिखारी आत्माएं भी आपके साथ आने से
वो भी पावरफुल बनेंगी। तो ऐसे अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो तो स्वयं को हम रियलाइज करें कि हमें क्या प्राप्ति मिली है। ओम शांति। क्योंकि हम आज के समय में देखते हैं ना दुनिया में कितने जल्दी लोग मायूस हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, बोर होते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि हम कैसे टाइम पास करें, क्या करें, और उनको एकदम से कोई भी बात हुई तो सोचने में लग जाते। तो हम लोगों को तो कभी भी दुख क्या है, मतलब दिल शिकस्त होना, डिप्रेस्ड होना, ये सब कुछ आना ही नहीं चाहिए। जैसे ही ऐसा कुछ भी कभी कभी आ जाता है ब्राह्मणों के जीवन में भी, क्योंकि माया आती है तरह तरह की, लेकिन जैसे ही हम अपनी प्राप्तियों के याद करने में लग जाते हैं, बाबा ने हमको कितने अच्छे अच्छे तरीके बता के रखे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें पढ़ो, ऐसे ऐसे तस्वीर में अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर को याद करो, तो फिर किसी भी तरह का दिल शिकस्त होना, डिसहार्टन होना, होपलेस होना, तो दुनिया में कितनी जल्दी जल्दी होपलेस होते हैं हम, उनको तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, इतनी सारे बाबा ने सामान दे के रखे हैं। ओम शांति। सुलोचना बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने से सर्व क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, और जितना जितना हमारे अंदर के क्वेश्चन समाप्त होते जाएंगे तो हम खुशी में रहेंगे। खुशी से जितना हम रहेंगे, दूसरों को देखेंगे, तो जितना जितना हम खुश रहेंगे, दूसरी आत्माएं जो भी हमें देखेंगे तो उनके भी दुख के बादल जो है वो घट जाएंगे, वो भी सुख के झूले में झूलने वाले बन जाएंगे। और बाबा ने आज इस मुरली में जो भी सामान दिए हैं उसका लिस्ट मैंने बनाया है, तो वो एक है, मैं पारस मणि हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, मैं लक्की सितारा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं लवलीन आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं अमूल्य रत्न हूँ, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इसे हम सारा दिन में प्रैक्टिस करने के लिए मैंने निकाला है। चल बहुत अच्छे सामान आज बाबा ने दिए। आज की मुरली तो कई बार पढ़ने की जैसी है, रोज ही की होती है, पर आज की स्पेशल। प्रिंसी बहन बोलिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा मुख्य रूप से तीन सितारों की बात हमेशा कहते हैं, सफलता के सितारे, लक्की सितारे और उम्मीदवार सितारे। बाप ने विशेषकर आज बच्चों को हम लक्की सितारे कहा है, क्योंकि बाबा कहते हैं स्वयं बाप हमारा गायन कर रहे हैं, तो कितना हमारा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है कि कितना श्रेष्ठ भाग्य बाबा बोल रहे हैं हम बच्चों का है। दूसरा बाबा बोल रहे हैं लक्की इसलिए है क्योंकि हम हर कदम पे पद्म की कमाई है, तो ये दो बातों के कारण बाबा ने कहा कि हम क्या है लक्की सितारे। तो यहाँ बाबा ने एक बात कही है कि ऐसे हम खुशी अनुभव करते हैं कि देखने वाले के दुख व गम के बादल वो मिट जाएं या वो सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसा आप कभी अनुभव हुआ है, कोई शेयर करना चाहते हैं कि वो उसके दुख के दुख दूर हो गए और वो सुख के झूले में झूलने लग जाए, ऐसा हो अनुभव शेयर करना चाहेगा कोई? ओम शांति जी। इनके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं या भारती बहन, शांति। अभी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। ओम शांति। जो बहन ने सवाल किया, ये तो बहुत सारे ब्राह्मण आत्माओं का आंसर, बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएं इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो दुख में बहुत परेशान हो जाते हैं, देखो थोड़ी बहुत समय की खुशी तो बहुतों ने दी होगी, कि बाबा का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, मुझे तो ऊंच आत्मा का तो इतना अनुभव है कि जैसे पूरा एक किसी पार्टी का पूरा ग्रुप आया, पूरा ग्रुप, और पूरा की ग्रुप बोला हम, मैंने कहा आप लोग तो कितने लक्की हो, आप तो जैन धर्म से भी जुड़े हुए हो, वो भी तो ज्ञान मार्ग है, और आप लोग तो किसी पार्टी हर महीना करते हो, तो आप लोग के लाइफ में तो कुछ दुख होना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा हमारा नहीं है दीदी, बोलते हैं वो तो हम करते हैं फिर घर जाकर वैसे की वैसे हो जाते हैं, जो हमको परमानेंट खुशी चाहिए वो हमको यहाँ मिल सकती है, और वो हम फोन में नहीं ले सकते, उसलिए पूरे घर पर आ जाते थे सारे, तो घर में जब वो बातें सुनते थे बाबा का, भाई कुछ भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं, सिर्फ बाबा के 7 डेज कोर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट देकर और थोड़ा सा उनको कमेंट्री से योग भी करवा देते थे, बस इतना में उन लोग को इतना अच्छा लगता था। जब 7 डेज के बाद उनको आने के लिए मना किया मैंने, मैंने कहा 7 डेज के बाद सेकेंड ट्रिप आएगी, आप मत आइएगा, तो
तो वो लोग एकदम मानो इतना उदास हो गए, दीदी प्लीज मत रोको हमको आने को। और मैं मतलब बहुत आत्माओं का ऐसा अनुभव है, लेकिन ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत छोटी चीज है, क्योंकि वो लोग आते हैं और उसके बाद जब दुनिया में सुनते हैं कि भाई बहन बना देते, सब छूट जाते हैं। सबसे बड़ा वो होता है जब हम उनको ज्ञान देकर, उनके दुख को दूर करके उनको प्रैक्टिकल ज्ञान में ले आते हैं। तो ऐसा भी बहुत हुआ है, ये तब होता है जब मैं आत्मा संपूर्ण रूप से बाप की याद में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा से बातें करते हुए उसे बाबा की किरणें देती हूँ। उस समय वो आत्माओं को पूरा अपना दुख मानो कि उसी एक क्षण में भूली लग जाता है, और ऐसे वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। वो परफेक्ट है मेरे हिसाब से। ओम शांति। ओम भारती बहन शांति। आप बोलिए। हाँ जी, बाबा ने हमें और एक सुमन दिया है कि हम हीरो पार्टधारी है, और हीरो पार्टधारी बनकर हमें जो नामी ग्रामी कुंभकर्ण है, साधारण कुंभकर्ण नहीं, उन्हें जगाना है। तो इसके लिए हमें नामी ग्रामी इस धरने को स्टेज को तैयार करना है, और हीरो पार्टधारी बनकर हमें साधारण पार्ट से नहीं होगा, इसके लिए हम हीरो पार्ट बजाने से कुंभकर्ण भी जागकर हियर हियर करेंगे। तो हमें हीरो पार्टधारी बनकर हमारा कार्य करना है, और हम जब बाबा के लगन में मगन रहते हैं तब हम सुख के झूले में झूलने का अनुभव करते हैं। ओम शांति। बहुत ओम शांति। अच्छा। ओम शांति। टाइम हो गया है, यहीं पे हम डिस्कशन को विराम देते हैं। और पोल लॉन्च हुआ है, सिंपली बहन आप होमवर्क भी देंगे, जैसे योग भी कराएंगे थोड़े से। जी भाई जी, आज की इस मुरली से हम लोग ये होमवर्क लेते हैं कि दिन भर में आज हम सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही होमवर्क दोनों तरीके से करेंगे। स्थूल में हम चेक करें, जितनी बार भी हम दर्पण के सामने जाते हैं, फीचर्स को देखते हैं या फ्यूचर को देखते हैं? फीचर्स को सब देखें, लेकिन स्मृति मुरली क्या है कि मुझे अपना फ्यूचर भी रिमाइंड करना है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो अपने फ्यूचर को आज जितनी बार भी दर्पण के सामने जाएं जरूर देखें, और सूक्ष्म में हम यहाँ से जाएं परम धाम में पतंगा बन, और क्षमा के सामने, शिव क्षमा के सामने स्वाहा यानी साइलेंस में खो जाएं कुछ सेकंड के लिए। बार बार इस ड्रिल को पूरा दिन करेंगे। ओम शांति। अभी योग का टाइम, तो इस ड्रिल को एक बार हम यहीं पर करते हैं सभी संगठन में। सभी अपने संकल्पों को समेट कर हल्के हो जाएं और तैयार हो जाएं इस यात्रा के लिए। मैं रूह इस रूहानी यात्रा के लिए तैयार हूँ, और इस शरीर से डिटैच हो चलती हूँ अपने देश परम धाम की ओर। और एक सेकंड में पतंगा बन शिव समा के सम्मुख पहुंच जाती हूं। अनुभव करें सभी, चारों ओर लाल सुनहरी प्रकाश फैला हुआ है, और मैं आत्मा शिव समा के सम्मुख विराजमान हूं। डीप साइलेंस चारों ओर फैला हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई संकल्प, कोई क्वेश्चन नहीं, शांति। अनुभव करें इस साइलेंस को।
और पतंगा बन स्वाहा। और बाबा से इस रूहानियत की लालिमा को समेटे हुए मैं आत्मा खुशी सुख शांति से भरपूर हो लौट आती हूँ साकार सृष्टि पर। और इस वायुमंडल में आते ही ये खुशी सुख शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाते हैं और आयरन एजिट आत्माएं गोल्डन होती जा रही हैं। पूरी दुनिया में गमों के बादल छट खुशियां बिखरती जा रही हैं। चारों ओर देखें खुशियों ही खुशियां फैल रही हैं और हर आत्मा के चेहरे पर मुस्कान आती जा रही है। ये रूहानियत की लाली पूरे वायुमंडल को खुशनुमा बनाती जाती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू सिफी बहन, थैंक यू सबका। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे। ओम शांति बाबा। थैंक्स परिवार, थैंक्स परिवार।